एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 2,14। हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। तो यहां पर क्या बोला है कि आपको बनाना है दो इक्वेशन, आपको बनाना है दो इक्वेशन जिसमें जो एक्स होगा वो 2 होगा और वाई क्या होगा 14 होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी दो इक्वेशन लिख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिया गया हुआ है, आपको जो भी मन करे आप दो इक्वेशन लिख लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं x प्लस 3y इजिकल्स टू, देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x प्लस 3y और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना है लेफ्ट हैंड साइड में आपका x और y दोनों वेरिएबल होना जरूरी है। तो हम लिख दिया यहाँ पर एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिख दिया हम 2x माइनस 5y इजिकल्स टू, तीसरा इक्वेशन है 6x प्लस y इजिकल्स टू और चौथा है यहाँ पर 7x माइनस 4y इजिकल्स टू। यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ टू लाइन, लेकिन हमने यहाँ पर चार इक्वेशन लिखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको बस आंसर में दो ही लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ इक्वेशन को राइट हैंड साइड में मतलब इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमने कुछ भी नहीं लिखा है। आपको क्या करना है, हर इक्वेशन में जैसे ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो पहला क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 2 जो यहाँ पर दिया हुआ है, 2 और 14 दिया हुआ है, यहाँ पर पुट करेंगे 2 फिर प्लस 3 इंटू वाई क्या है 14 है, तो ये क्या हो गया 2 प्लस 14 थ्री जा 42, क्या आ गया 42 और 2 44 आ गया। बस आपको यहाँ पर ये लिख देना है 44 और ये आपका क्या हो गया एक लाइन का इक्वेशन हो गया। सेम तरीके से यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2x माइनस 5y इजिकल्स टू, आप क्या करेंगे लिख देंगे 2x माइनस 5y इजिकल्स टू, यहाँ पर नहीं पता आपको, तो 2 इंटू x, x क्या है यहाँ पर 2 है और y 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 5 इंटू 14, यहाँ से आ गया 2 इंटू 2 4 माइनस 14 इंटू 5 70, तो ये हो गया माइनस 66 हो गया। क्या करेंगे आप यहाँ पर माइनस 66 लिख देंगे और यही आपका इक्वेशन हो गया, दूसरे लाइन का इक्वेशन हो गया। तो आपका दो इक्वेशन मिल गया आपको। आपको समझाने के लिए हम दो इक्वेशन और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6x प्लस वाई, 6x प्लस वाई, तो 6 इंटू 2 प्लस 14 क्या गया 6 टू 12 प्लस 14, तो यहां से आ गया 26, तो ये हो जाएगा आपका 26। सेम तरीके से यहां पर आप 7 इंटू 2 करेंगे माइनस 4 इंटू 14 करेंगे, तो 7 टू जा 14 माइनस 14 फोर जा 56, तो यहां से आएगा माइनस 42, तो ये हो जाएगा माइनस 42। तो इस तरीके से आपको यहां पर चार इक्वेशन मिल गया है किसी भी लाइन के जो कि 2,14 से पास करेगा। तो आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।